इकोनॉमी फॉर मेंस में अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और ये है हमारा इंडिया स्टैंड ऑन इन WTO, कि WTO में इंडिया का स्टैंड बदल रहा है या फिर सेम ही है, ठीक है, इज इट चेंजिंग और नॉट। मैं आपको इसमें चेंजिंग के लिए ये कुछ दो तीन पॉइंट्स दे रहा हूँ, दो तीन पॉइंट्स नहीं बस के लिए दे रहा हूँ, एंड कुछ वे अहेड सजेस्ट कर रहा हूँ। आप भी अपने पॉइंट्स इसमें और सजेस्ट करो, ऐड करो, कमेंट्स करो, ब्रिलियंट कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम खुद भी एक्स्ट्रा एफर्ट मार के औरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो यही थीम है हमारे चैनल की भी, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इंडिया का स्टैंड WTO में। पहला हम लेते हैं कि नहीं बदल रहा, जैसा था 1994-5 में शुरू हुआ वैसा ही आज भी चलता है। तो उसमें हम क्या पॉइंट डालेंगे कि इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज में डिफरेंशिएशन को फेवर करता है। और वैसे एक आपको मैं बात बता रहा हूं, WTO किस पे काम करता है, सेल्फ क्लासिफिकेशन पे। आप अपने आप को कहां चाहते हैं क्लासिफाई करना, डेवलपिंग या डेवलप्ड, वो WTO आपको आजादी देता है कि कहां करना है। इंडिया ने खुद को डेवलपिंग में क्लासिफाई किया हुआ है एंड अगर कल इंडिया चाहे तो खुद को डेवलप्ड पे, क्योंकि इनके लिए अलग अलग रूल्स बनते हैं, अलग अलग तरह की इनकी गाइडलाइंस हैं। डेवलपिंग को थोड़ा रिलैक्स्ड एंड डेवलप को थोड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। तो इसीलिए अभी भी हम क्या बोलते हैं कि हम स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें दुनिया से ज़्यादा रियायत चाहिए, दुनिया से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें रिलैक्सेशन दी जाएगी, एट द सेम टाइम हमारे पर इतनी पाबंदी मत लगाना, ठीक है। ये हम डेवलपिंग की थीम है। आगे हम इसीलिए अपने लिए प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा सीख करते हैं कि हमारे जो लोकल डोमेस्टिक सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे किसान हैं चाहे कंपनीज वाले हैं, उन पर आँच ना आए। तो डेवलपिंग वालों को ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस भी हैं। आगे तो अभी भी हम प्रोटेक्शन चाहते हैं चीप एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स से। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जो प्रोटेक्शंस कम हैं, हमारे यहाँ पे ये ज़्यादा मिलती हैं। और हमने ये अभी रिसेंटली अचीव भी कर दिया इंडिया ने, कहाँ पर, नैरोबी मीट हुई थी, वहाँ पर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म हमने WTO पे अलग एक वीडियो बनाया, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इकोनॉमी जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स हैं उस पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके वहाँ पे देख सकते हो आप WTO के बारे में। और तो लेकिन तो SSM हमने अचीव कर लिया, जिसमें हमें क्या होगा, अगर लेट्स से इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं हमारे देश में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर इम्पोर्ट्स बढ़ जाएं, बाहर में सामान सस्ता हो रहा है और हमारे देश में एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट बढ़ जाएं, तो हम उस पर रोक लगा सकते हैं, पहली बात तो ये। एंड लेट्स से अगर प्राइस ड्रॉप हो जाए, कि अगर बाहर के प्रोडक्ट्स की प्राइस ड्रॉप हो जाए तो भी हमारे डोमेस्टिक किसानों को, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, तो उस कारण भी हम उस पर ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। तो दोनों तरह से दो चीज़ें काम करती हैं SSM में, ठीक है, आपने ये पढ़ाई होगा। एक तो या तो वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक है जी, इम्पोर्ट की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, दूसरा वैल्यू में डिक्रीज आ जाए, सस्ता हो जाए सामान बाहर वाला, डोमेस्टिक फार्मर्स को नुकसान पहुंचाएगा। इस पर हम आज भी अड़े हुए हैं कि चीप एग्री इम्पोर्ट्स पर प्रोटेक्शन चाहिए, SSM में अचीव कर लिया। आगे ऑपोजिशन टू मोर कॉन्सील्ड सब्सिडीज गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज बोलती है हमारी तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज हैं और हम तो इतना कुछ ऐसी सब्सिडीज देते ही नहीं जो कि किसको, मार्केट्स को डिस्टॉर्ट करें। तो लेकिन हम उसका ऑपोजिशन आज भी बनाए हुए हैं कि नहीं, आपने अपनी सब्सिडी को ओके कह दिया, हमारी वाली को खराब कह दिया, मार्केट डिस्टॉर्टिंग कह दिया, हमारे यहाँ जनता गरीब है, हमारी तो डिफरेंट तरह की बातें होंगी ही, तो हम आज भी उस पर अड़े हुए हैं। एंड देन हमारे यहाँ पर हम अभी आज भी एग्रीकल्चरल स्टॉक टेकिंग लिमिट्स, क्योंकि हमें गरीबों को खाना खिलाने के लिए हमने इंडिया ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था उसके तहत इंडिया को जो फूड जो अपना स्टॉक्स में रखना था बफर स्टॉक्स वगैरह में, वो थोड़ा लिमिट बढ़ानी पड़ती, उसके लिए सब्सिडी एक्स्ट्रा बढ़ रही थी। इंडिया ने कहा था 67% लोगों को हम खाना खिलाएंगे, तो 67% को खाना खिलाने के लिए हमारे सब्सिडी बढ़ती थी, जो कि हमारे पास यहाँ पर अभी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक लिखा हुआ है डी मिनिमिस। ये सब देखो हमारे वाले वीडियो में, मैं इसको यहाँ इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, वो WTO के वीडियो में डाला हुआ है। डी मिनिमिस की बात होती है, डी मिनिमिस हम वायलेशन कर रहे थे, और उसके चक्कर में इंडिया आज भी क्या कह रहा है कि ये परमानेंटली चेंज करो डी मिनिमिस को, ये गलत है। 1986-87-88 लेवल जो आपने बनाया हुआ है, 86-88 लेवल का एवरेज, वो एवरेज गलत है, उसको बदलो। इंडिया आज भी इस पर अड़ा हुआ है। एंड देन इंडिया आज भी एडवोकेट क्या करता है कि ट्रिप्स में जो अपना ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके जो लोकल कंसर्न्स हैं और जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं उनका बैलेंस ज़रूरी है। अगर लोकल कंसर्न्स के लिए हमें दवाइयां सस्ती करनी पड़ती हैं तो प्लीज़ की जाएं, ठीक है। तो इंडिया आज भी इसको एडवोकेट करता है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अपोज करती है, पर्टिकुलरली दो कंट्रीज़, एक तो USA और एक स्विट्ज़रलैंड, इसको अपोज करती हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजरली फार्मास्यूटिकल कंपनी सारी बेस्ड हैं। आपको मैंने वहाँ पे बताया था नॉन वायलेशन कंप्लेंट्स, ये वो
बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हो। तो ये अपना सिंपल सा वीडियो है, क्योंकि ये आप इसमें पॉइंट्स बनाओ और डब्ल्यू टी ओ का वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर उसमें ऐड कर लेना पॉइंट्स। एंड देन येस पे आते हैं कि नहीं अभी हमारा स्टैंड बदल चुका है, क्योंकि हमारी कंट्री भी आगे बढ़ रही है, हमारा स्टैंड भी बदल रहा है कि स्टैंड हैज़ बीन चेंजिंग। कैसे? इंडिया आज प्रोटेक्शन कम डिज़ायर करता है, लेसर प्रोटेक्शन डिज़ायर करता है। किस पर? एक्सपोर्ट्स पर। हम एक्सपोर्ट्स पर इतनी प्रोटेक्शन नहीं मांगते। जैसे अभी भी LDCs हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, LDCs के लिए आज भी बहुत ज़्यादा उनको रियायत मिलती है उनके एक्सपोर्ट्स को लेके, जो वो सामान बेचेंगी बाहर, ठीक है, इम्पोर्ट्स नहीं बोल रहा, एक्सपोर्ट्स उसको लेके। इंडिया आजकल इसकी प्रोटेक्शन कम डिमांड करता है, क्योंकि इंडिया अब एक्सपोर्ट करना शुरू हो चुका है और इंडिया ने अपना स्टैंड बदल लिया है। तो अभी इंडिया टैरिफ प्रोटेक्शन इतनी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को लेके। देन आईटी एंड फार्मा, तो एक केस इन पॉइंट है, हमारा आईटी एंड फार्मा बहुत बिकता है बाहर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लॉज बने जो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, एंड इसीलिए हम अब एक्सपोर्ट्स के लिए काफी फेवर में आते जा रहे हैं। देन आगे अब हम रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स को भी सपोर्ट करने लगे हैं। पहले हम WTO में इसको अपोज करते थे, अब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद पार्ट बनना शुरू हो गए हैं। हमें पता लग गया है कि WTO में हमारा स्टैंड ऐसा हो गया, WTO में हमें पता है कि कॉन्सेंसस बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, तो अपने लोकल लेवल पर ही कॉन्सेंसस बिल्ड किया जाए, अपने लोकल ट्रेड अग्रीमेंट्स बनाए जाएं। तो WTO अलाउ करता है ये, अगर आपके लोकल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, WTO अलाउज यू कि आप वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दो उनको। क्या आप जो हमने वर्ड पढ़ते हैं, कौन सा मोस्ट फेवरेबल MFN नेशन, तो MFN स्टेटस के बियॉन्ड भी हम अच्छा स्टेटस दे सकते हैं अगर हम रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट हैं, ठीक है जी। तो हम ये इसीलिए इंडिया अब RCEP वगैरह, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वगैरह, जिसका भी पार्ट चाहता है इंडिया बनना, तो हमने ये हमारा स्टैंड बदला है। हम कह रहे हैं कि रीजनल ट्रेड को प्रमोट करो, एंड ये कंसिडरिंग डिफिकल्टी ऑफ बिल्डिंग कंसेंसस इन WTO। एंड देन एक और पॉइंट है हमारे पास, इंडिया पहले TFA इन गुड्स को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं था, जो ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को लेके। फिर फाइनली इंडिया ने TFA इन गुड्स साइन किया, बदले में इंडिया ने पीस क्लॉज लिया, वो आपको सब मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। तो लेकिन अब इंडिया क्या हुआ, पहले इंडिया का स्टैंड था कि TFA इन गुड्स नहीं होना चाहिए, अब इंडिया ने देखा कि अपनी हमारे तो इंडिया का चक्कर क्या है, अब इंडिया गुड्स नहीं बेचता इतना, इंडिया क्या बेचता है, सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अब इंडिया कह रहा है कि TFA लेकर आओ, किस में, सर्विसेज में लेकर आओ। तो इंडिया नाउ वॉन्ट्स TFA इन सर्विसेज, ठीक है। तो ये बात अपनी ध्यान रखना कि इंडिया का स्टैंड TFA में भी बदला है, गुड्स पहले मना करते थे, अब हम सर्विसेज में हाँ करते हैं कि ले आओ। तो आप ओवरऑल कंक्लूड करते हुए बताओगे कि वे अहेड कि हमें करना क्या चाहिए, तो आप बताना कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बी कंसर्न फॉर। पहला, अपने लोगों का ध्यान भी रखना जरूरी है, अपने कंसर्न्स का ध्यान रखना जरूरी है, अपनी पॉलिसीज कंसर्न्स पीपल, तीनों का ध्यान रखते हुए ही हमें WTO में स्टैंड अपनाना चाहिए। ग्लोबल फोर्सेज से भी हमें ऐसे नहीं है आंखें बंद करने, जो ग्लोबल फोर्सेज हो रही हैं कि दुनिया प्रोटेक्शनिस्ट हो रही है या दुनिया ग्लोबलिज्म को बढ़ा रही है, जो भी कर रही है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। एंड मल्टीपोलैरिटी बनी रहे, किसी एक कंट्री का दबदबा ना बना रहे। अगर देखो अभी ये कैसा हुआ था, इंडिया और पर्टिकुलरली चाइना से भी ज्यादा इंडिया, इन्होंने WTO में बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया हुआ था, उसके चक्कर में क्या हुआ कि WTO बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉलिंग अपार्ट। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, सभी ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दी, अमेरिका ने TPP शुरू कर दिया, यहां पे ASEAN ने अपना और स्ट्रांग कर लिया, RCEP वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ कि मल्टीपोलैरिटी का लॉस हो जाएगा, तो मल्टीपोलैरिटी भी बनी रहे। एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा WTO, इसकी लेजिटिमेसी बनी रहे, इंडिया का पार्ट बना रहे और इसको बेटर बनाए, अपने स्टैंड को ऐसा ना बनाए रिजिड कि उससे ये इंस्टीट्यूशंस खराब हो जाएं, तो हम इसको वे हेड में लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि हम क्या कर कि हमारा स्टैंड बदलता है कि नहीं, हमने पहले बताया नहीं, हमारा स्टैंड काफ़ी जगहों पर आज भी सेम है, एंड देन नहीं, लेकिन वक्त के साथ हमने कुछ स्टैंड बदला भी है, फाइनली हमने दिया वे अहेड, ठीक है, वे अहेड में हमने बताया। तो ये सिंपल से अपनी कहानी थी अबाउट WTO। नेक्स्ट अपना वीडियो में करेंगे कि क्या नियर फ्यूचर में हमें स्टैगफ्लेशन विटनेस करनी पड़ सकती है, नहीं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है एक्सेट्रा सब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना छोटा सा वीडियो था WTO पर, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।